खबर हम आपको दिखाने। रूस के रक्षा मंत्रालय का यूक्रेन को लेकर बहुत बड़ा दावा है। यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर पर पूरी तरह से रूस का कब्जा हो गया है, तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, लेकिन कब तक? बड़ा सवाल यह है। शहर की सड़कों पर गोलियों की आवाज है, अभी भी रेजिस्टेंस मिल रही है। रूस ने मेलिटोपोल पर एयर स्ट्राइक कर मचाई भारी तबाही। रूस ने समुद्र के रास्ते मेलिटोपोल पर किया था हमला। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को मिसाइल हमलों से रूस ने तबाह किया। एम्बियंस अब करें इसकी जरा। इस बीच एक और बड़ी खबर, हमले के बीच यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा है, जंग में अब तक रूस के 3500, ठीक सुना आपने, सिर्फ 48 घंटे के अंदर रूस के 3500 जवान ढेर कर दिए गए हैं। रूस के 102 टैंक उड़ा दिए गए हैं, 14 प्लेन, 8 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए। विजुअल्स प्लीज। 536 सैन्य वाहनों को तबाह किया, यूक्रेन ने यह भी कहा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।